उदास होने के लिए पूरा उम्र पड़ा हुआ है। नजर उठाकर देखो, सामने में जिंदगी खड़ा है, और जिंदगी खड़ा है इसका मतलब जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए ना आज के डेट में अपने आप को पहचानना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा उस हिसाब से, ताकि आने वाले कल में ना अपने साथ साथ अपने परिवार का भी जीवन जो है वो आप सिक्योर कर पाए। वरना अगर आज आप ये मान लो ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं है, तो सारा जिंदगी उदास होते रहिएगा, और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी साथ में बैठा लीजिएगा कि मेरे चलते तुम लोग भी जो है अब रो। क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन तक पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम वाले चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर टेलीग्राम में अगर सर्च भी मारेंगे ना सक्सेस की 98, आपको हमारा ग्रुप जो है वो मिल जाएगा। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है सक्सेस की 98, आप अपने फोन के ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के जो है वो दे सकते हैं, बैंक, रेलवे या फिर एसएससी। और एक बात, 349 वाला पैकेज अगर वहां से लेते हैं ना, तो आने वाले एक साल तक हर एक एग्जाम का 20 से 25 सेट आपको दिया जाएगा न्यू पैटर्न के आधार पर, ताकि आप एग्जाम से पहले जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहे हैं। और आज कवर करेंगे हम सभी 7 और 8 जून के इंपॉर्टेंट करियर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 जो है वो कब मनाया जाता है? तो 100 में से 99% लोगों को पता है कि भैया 5 जून को हम सभी मनाते हैं। लेकिन मेन चीज जो याद रखना है ना, विषय थीम 2020 का जो विषय है वो क्या है। जैसे 19 की बात करूं तो 19 में विषय क्या था, तो 19 में आप सभी का विषय था एयर पॉल्यूशन। लेकिन इस बार का विषय क्या दिया गया है, तो इस बार का विषय दिया गया है बायोडाइवर्सिटी। ये आप सभी को याद रखना है, यही मेन चीज है। डेट तो आप सभी को याद रहेगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं ये याद रखना है मेन। अगला प्रश्न हमारे सामने, केंद्र सरकार ने मुद्रा शिशु ऋण के तहत लघु व्यापार और कुटीर उद्योगों के लिए कितने करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान करने की घोषणा की है? तो 1500 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न हमारे सामने, मन की बात। मन की बात से याद आया, आप सभी को पता होगा कि एक मन की बात एपिसोड करने में खर्च जो आता है वो आता है 8.5 करोड़ रुपए का। और आप सभी को नहीं लगता कि मन की बात ना कर हमारे देश के पीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, मीडिया के सवाल लेने चाहिए, उनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए? आपको नहीं लगता है मन की बात में क्या है जो मोदी जी को अच्छा लगा बोलकर निकल गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, ताकि मीडिया के सवाल, जनता के सवाल आप तक पहुंच पाए, और उस सवाल का जवाब आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से दे पाए, तो वो एक अच्छा तरीका है ना। अब यहां पर पॉलिटिक्स मत घुसाइएगा, एक अच्छे नागरिक होकर सोचिए, जेन्युइन पर्सन होकर, कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना के बराबर करते हैं, और करते भी तो सवाल आपको पता है कैसे पूछे जाते हैं। सवाल बोल रहा है, मन की बात में मोदी जी ने द्वारा शुरू की गई वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताए जो रखा गया है। तो जो इस बार रिसेंट में मन की बात की गई है ना, उसमें जो मेन चीज पर फोकस किया गया है वो किया गया योग के ऊपर, और नाम दिया गया था क्या, जीवन योग, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने जीवन रक्षक तकनीक के लिए समान पहुंच के लिए कोविड एक्सेस पुल जो लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसके अंदर ये चीज बताया गया है कि वैक्सीन कैसे बनेगा, क्या क्या मेडिकल चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या सुझाव देना चाहिए, क्या क्या जागरूकता को लेकर कदम उठाने चाहिए, सब कुछ इसके अंदर है। जो ये स्टार्ट किया गया है WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और WHO के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है, टेड्रोस एधानोम। ठीक है, और अगर बात करूं कि हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा में, और गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में WHO का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारे सामने है, UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने मई 2021 तक
किस देश पर हथियार प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है? तो यह लगाया गया दक्षिण सूडान के ऊपर, यानी साउथ सूडान के ऊपर, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगर वहीं पर बात करें कैपिटल क्या है आपका साउथ सूडान का, तो आप बोलेंगे जूबा, और मुद्रा तो साउथ सूडानिस पाउंड, और वहां के जो राष्ट्रपति है ना उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सल्वा किर मायरडिट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, किस बैंक ने बस यात्रियों के लिए एक संपर्क कार्ड लाने के लिए चलो लॉन्च के साथ भागीदारी की है? एक तरह का ना ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ताकि जितने आप सभी को पता है अभी बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं इस कोरोना वायरस पैंडेमिक, इस महामारी में। अब यहां पर बस, जिसको भी बस बुकिंग करवानी है, बस के लिए टिकट चाहिए श्रमिक को लिए, उसके लिए जो है एक संपर्क कार्ड जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और इन सब में पैसा कौन लगा रहा है, वो लगा रहा है किस बैंक ने, किस बैंक के साथ डिजाइन हुआ है, तो वो बैंक है आपका यस बैंक, ऑप्शन नंबर आपका सी। और यस बैंक के सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। हर एक बैंक का अलग अलग टैगलाइन होता है, तो वहीं पर अगर बात करें यस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो वो है आपका एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, और हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक्सिम बैंक के ना उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? एक्सिम बैंक का जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है ये किसे बनाया गया है, ये पॉइंट, ये पद जो है वो किसे दिया गया, किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो जो महिला आपको दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को ये पदभार दिया गया है, पद दिया गया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका हर्षा बांगरी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2020 का सिंगमोड योगदान पुरस्कार यानी कंट्रीब्यूशन अवार्ड किसने जीता है? तो ये कौन है, ये है आपके स्टीफन मानेगोल्ड, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, दिल्ली स्थित उस एनजीओ का नाम बताइए जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2020 से सम्मानित किया गया है। अब ये जो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है याद रखिएगा, यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 31 मार्च को। ठीक है ना, 31 मई को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, इस दिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, एक दिल्ली का एनजीओ है उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर उन्हें सम्मानित किया गया। क्यों सम्मानित किया गया, आप सभी को पता है बहुत लोगों को नशा का लत लग जाता है, अब ये एनजीओ क्या किया है, उनका नशा छुटाने में, उस लोगों को दोबारा लाइन पर लेकर आने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए WHO के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। वो कौन सा एनजीओ है, उसका नाम बताना है, तो उस एनजीओ का नाम है सिड्स, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत ने वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के लिए कितनी राशि वादा किया है कि भारत देगा? आप सभी को पता है कुछ दिन पहले जो है ना वो वैक्सीन के ऊपर एक मीटिंग हुई थी जिसके अंदर बहुत सारे देश थे, और ये मीटिंग जब हुआ था इसके हेड कौन, इसका मतलब जो हेड वो कौन था, तो वो UK था, कौन, ब्रिटेन। ठीक है, तो उसमें बोला गया था कि भारत जो निवेश करेगा ना वैक्सीन और टीका के बनाने के ऊपर वो करेगा $15 मिलियन का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए, भारत इतना देगा याद रखिएगा वैक्सीन के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5 जून को राजमार्गों पर मानव पशु मृत्यु दर पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, यह किसने बोला है? तो यहां पर अगर आप देख रहे हो राजमार्ग की बात कर रहा है, हाईवे वगैरह का, रोड का, तो ये मंत्रालय किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास है, तो वही आंसर होगा। और इसमें मेन मुद्दा ये है, आप सभी को पता है हाईवे वगैरह पर बहुत पशु मर जाते हैं एक्सीडेंट से, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो इसमें कमी आ पाए, उनका देखभाल हो सके। ठीक है, इसीलिए एक जागरूकता अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस केंद्र मंत्रालय ने सूचना पुस्तिका COVID-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा शुरू की है? तो जाहिर सी बात है शिक्षा की बात आ रही है, तो शिक्षा मंत्रालय यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्टार्ट करेगा, ऑप्शन नंबर सी। ये मंत्रालय अभी किसके पास है, अगर भारत सरकार की बात करें तो ये मंत्रालय है आपका रमेश पोखरियाल के पास, RP याद रखिएगा।
और जो ये ऑनलाइन शिक्षा शुरू किया गया है ना, इसका टाइटल जो एक दिया गया है, एक शीर्षक दिया गया है, उसका नाम क्या है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ COVID-19। ये शीर्षक याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मुबडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत जो है वो शेयर खरीदा है, यानी कितने प्रतिशत हिस्सा लगाया है। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले एक न्यूज बहुत आग की तरह फैली थी कि रिलायंस जियो में 9.9% का शेयर कौन लगाएगा, किसने खरीद लिया है, तो फेसबुक ने खरीद लिया है। अभी एक खबर आ रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका मुबडाला, इसने 1.85% शेयर खरीदा है, किसमें, रिलायंस जियो में, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस कंपनी ने पीपी इलेक्ट्रॉनिक आइटम कपड़े और अन्य सहित कई प्रकार की सामग्रियों कीटाणु रहित करने के लिए अल्ट्रा स्वच्छ, ये नाम याद रखना है, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है, और यह विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO के चेयरपर्सन कौन है, जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और गठन कब हुआ था, 1958 में। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस राज्य का यह उद्देश्य है कि दिसंबर 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, यानी किस राज्य में दिसंबर 2022 तक सभी के घर में जो नल कनेक्शन है वो रहेगा। यह अनाउंसमेंट किया गया है मेघालय राज्य सरकार के द्वारा। और अगर बात करें केंद्र का, केंद्र का यह कहना है कि 2024 तक भारत के हर एक गांव, हर एक शहर में सभी को नल कनेक्शन दिया जाएगा। और केंद्र की बात करें 2024 तक, मेघालय की बात करें तो दिसंबर 2022 तक। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कमेंट करके ये बताना है मेघालय के राज्यपाल का नाम क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, मेघालय का राजधानी क्या है। यह तीन चीज आपको मेघालय के बारे में कमेंट कर बताना है, यह आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा COVID-19 संकट के बीच सड़क विक्रेताओं, जितने भी जो दुकानदार हैं, उनको किफायती ऋण यानी किफायती लोन प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताना है, तो उस योजना का नाम है PM स्वनिधि, ऑप्शन नंबर आपका B। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जमीनी स्तर के लिए एक ऑनलाइन कोचिंग कार्यक्रम प्रदान करने के लिए शुरू किए गए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन का नाम बताना है। अब जो भी स्पोर्ट हो, अगर कोई प्लेयर कुछ सीखना चाहता है, कुछ टेक्निक वगैरह, कुछ ज्ञान वगैरह स्पोर्ट को लेकर, तो वह उनके लिए ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म खोला जा रहा है, वो वहां पर जाकर सीख सकता है, ठीक है। उस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यह आपको बताना है, तो उसका नाम क्या है, खेलो इंडिया ई पाठशाला, ऑप्शन नंबर आपका C। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में पूर्व ओलंपिक विजेता स्प्रिंट यानी ये दौड़ते थे, ये ओलंपिक में चैंपियन रह चुके हैं, तो ओलंपिक में चैंपियन रह चुके हैं मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उनका नाम क्या है, बॉबी मैरो, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे। तो ये जो बॉबी मैरो है, जो दौड़ते थे, जो ओलंपिक विजेता रह चुके हैं, वो अमेरिका के थे, ऑप्शन नंबर आपका B। अगला प्रश्न हमारे सामने, कुवैत, कुवैत के लिए भारत के तरफ से अगला राजदूत कौन होगा, ये आपको बताना है, तो अगला राजदूत का नाम है कुवैत के लिए भारत की तरफ से CB जॉर्ज, ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर आपका B। और यहीं पर बात करें कुवैत का कैपिटल क्या है, तो आप बोलेंगे कुवैत सिटी। मुद्रा की बात करें तो कुवैत दिनार यहां पर इस्तेमाल करते हैं। और प्रधानमंत्री कौन है कुवैत का, तो शबाब अल खालिद अल शबाब, याद रखिएगा। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर 7 से 8 जून का, क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म की है लेकिन क्वेश्चन वही आपका 20 के लगभग है, ठीक है ना, जो डेली आपको मिलता है 10-10 कर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पूरा PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और एक बात, सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखना और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, चलिए।